गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज रेओपिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बेटे। आज इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था लेंसेज के बारे में, पावर ऑफ लेंस और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल्स लेके आए। और बेटे जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके उस लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आज वाले क्वेश्चंस क्या आएंगे समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आप बात करते हैं बेटे इस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, इस न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास अभी जो क्वेश्चन पेपर है, ये अभी जो 2020 ट्वेल्थ क्लास जो अभी पास आउट हुई है उनका क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर है 36 और क्वेश्चन जो सेट फर्स्ट है और सेट थर्ड है, इन दोनों के बीच में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 और 37 उनके अंदर है। 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर बाइकॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है बेटे जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर के ऊपर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं बेटे, ये चांस रहते हैं इन क्वेश्चन के आने के, और अभी फाइनल एग्जाम के अंदर ये आया भी हुआ है। तो प्लीज एक एक चीज को अच्छे से समझे रहना। और अगर मेरी ये वीडियो जो भी प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे जो पास आउट हुए हैं तो वो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को वो भी मैच कर लें, क्योंकि रिजल्ट अभी उनका भी पेंडिंग है ना, तो वो उनका श्योरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन वो सही करके आए हैं गलत करके आए हैं। तो अच्छे से समझना बेटे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे आते हैं तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन की, कि स्टेटमेंट क्या कहता है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 10 cm. A convex mirror is placed coaxially on the other side of the lens at a distance of 10 cm. If the final image coincides with the object, sketch the ray diagram and find the focal length of the convex mirror. एक चीज बेटे और सभी को कहना चाहूंगा ये मैं, कि जब भी आप फाइनल एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट को उठाते हो तो न्यूमेरिकल्स की जो स्टेटमेंट होती है एटलीस्ट नो 2 टाइम जरूर रीड किया करो, और एक एक चीज को अच्छे से समझा करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करो। जो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है उनको नोट करते जाया करो, उनके अकॉर्डिंग उनका जो डायग्राम होता है उसको बनाते जाया करो। तो इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो अपने पास कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 12 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो मतलब U की वैल्यू आपको क्या दे दी बेटे, 12 सेंटीमीटर जो गिवन है उसको नोट करते जाओ, और U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो U की वैल्यू आप क्या लोगे, -12 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्या कहता है, इसी एक्सिस के ऊपर एक अदर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड कोएक्सियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहता है इसी लेंस से इसी एक्सिस के ऊपर एक कॉन्वेक्स मिरर भी है, जो कितनी दूर रखा गया इससे, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर दूर ये एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। फिर आगे क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है इफ द फाइनल इमेज कॉन्साइड, अब इन दोनों ने जो फाइनल इमेज बनाई, पहले लेंस ने बनाई, लेंस से जो मिरर ने बनाई, और दोनों की जो कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज बनी वो क्या कहते हैं, कॉन्साइड विद द ऑब्जेक्ट, वो वापस कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉन्साइड हो रही है। तो इसका रे डायग्राम बनाना और इसकी कॉन्वेक्स मिरर की आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए बेटे, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर ट्राई करना। अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा बेटे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ बेटे मैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अपने को लेंस दे दिया, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, इसकी आपको क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया, फाइनल इमेज कहता जो बन रही है ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉन्साइड कर रही है, तो इस मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें देखो बेटे, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको अभी मान के नहीं चलता कि ये मिरर है, यहाँ पर पहले लेंस के ऊपर आप बात कर लेते हैं, इसको एक बार मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से।
अगर ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ अपने को दी हुई है, कन्वेक्स मिरर लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी अपने को f की वैल्यू भी 10 है और कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 है बेटे और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है अपने, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन ध्यान है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, f और c के बीच में है ना, तो जो इमेज बनेगी इससे इस वे के अंदर लेंस कैसी इमेज बनाएगा, इस वे के अंदर इमेज इसकी क्या होगी, फॉर्म होगी बेटे। ये सपोज इसने इमेज बनाई, ठीक है, तो ये इमेज कितनी दूर बनाई ये भी निकाल लेते हैं। तो अपने को u गिवन है, f गिवन है, तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूं बेटे, तो प्लीज एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करेंगे काम इसके ऊपर। अपने को u की वैल्यू दे दी, ठीक है, और v की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं बेटे। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f = क्या होता है, 1/v - 1/u, u को सब्जेक्ट बनाओ और आपको v इस तरफ चला जाएगा बेटे, तो 1/f + 1/u वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो 1/v = 1/f की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है प्लस, और लेकिन u की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 12, तो एलसीएम कितना आएगा बेटे 60। तो 1/v = 6 - 5 = 1/60, तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे 60 cm। मतलब ये जो इमेज फॉर्म हुई, लेंस ने जो इमेज फॉर्म करनी थी वो कहाँ करता, 60 cm पे, कहाँ करता बेटे, फाइनल इमेज 60 cm पे। पर अब क्या हुआ कि बीच में एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस आपको दे दिया कि 10 cm है, ठीक है बेटे, पॉइंट को समझना आप। कहता इस वे के अंदर इमेज लाइट गई थी और यहां पर उसको फाइनल इमेज बनाती जब ये मिरर ना होता तो उस केस में, लेकिन अब क्या रख दिया, मिरर रख दिया, और मिरर के बारे में आपको क्या बोला है कि ये मिरर वापिस जो इमेज बना रहा है वो ओ पे बना रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ ही इमेज कॉन्साइड कर रही है। अच्छा एक चीज ध्यान रखो बेटे, कॉन्वेक्स मिरर वापिस इमेज, देखो यहां पर वापिस सब बनेगी जब ये लाइट रे वापिस आएगी है ना, जिस पाथ में गई थी उसी पाथ में वापिस आए, तो ये कैसे कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये जो इमेजेस लाइट रेज जा रही हैं ये कहां मिलती हो, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती हो, मतलब ये जो पॉइंट हो वो इस मिरर का, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि लाइट रे जब सी में से पास करती है, आप एक मिरर है आपके पास, अगर आप उसके सेंटर पे लाइट को कॉन्साइड करवाओगे तभी वो उसी रिफ्लेक्शन होगी और उसी पाथ के अंदर वो वापिस जाएगी, ठीक है, तो ये वापिस कब जाके उसी पॉइंट पे मिलेंगी बेटे, जब ये लाइट रे कहां से पास कर रही हो, इस मिरर के सेंटर में से पास कर रही हूं तभी रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में वापिस जाएंगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया यहां से लेके यहां तक का, इसका क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन रेडियस होगी आपकी, ये वाली चीज क्या होगी, रेडियस होगी। अगर ये सारा आपने 60 निकाल दिया, ये 10 आपको गिवन है, तो ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी बेटे, कितनी रहेगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू 50 रहेगी, समझ में आई ये बात, ये वैल्यू कितनी रहेगी 50। अच्छा ये 50 उसकी क्या है, रेडियस, तो मिरर की रेडियस कितनी आएगी बेटे 50 cm, समझ गए इस बात को। अगर ये 50 आ गई तो अपने को इसकी क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, इसका रेडियस का हाफ, तो कितनी आ गई बेटे 25 cm आपका आंसर आ जाता है। तो फिर से बता देता हूं, कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस गई बेटे वो यहां बननी थी 60 पे, अगर कॉन्वेक्स लेंस अकेला होता तो, बोल दिया कि एक मिरर भी है यहां पर, अब ये मिरर क्या कर रहा है, फाइनल इमेज को यही बना रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, और ये फाइनल लाइट रे कब आएगी वापिस, जब लाइट रे ये जो जा रही है ये कैसे जाए, ये दोनों उसके सेंटर में से पास हो तभी वो उसी पाथ के अंदर वापस आ पाएंगे, अदरवाइज और कोई केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर इसमें सेंटर में से पास करें और यहां से लेके ये डिस्टेंस आपने ये निकाल चुके हैं, इससे कितना है 60 और ये डिस्टेंस अपने को 10 दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया 50। इस डिस्टेंस का मतलब ये उसकी सेंटर हो गया ना, पोल से, इसके पोल से ये सेंटर हो गया, और पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, रेडियस,
तो ये रेडियस आ गई उसकी कितनी 50 सेंटीमीटर। अपने को क्या फाइंड आउट करना था, इसकी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगी रेडियस का हाफ होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द थिन थर्ड लेंस। तो अपने को बेटे तीन लेंस दे दी यहां पर, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और एक और कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। कहता है इन तीनों लेंसेज से जो लाइट रे ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है 0.3 मीटर है इससे दूर दिया हुआ है, इससे ये सेकंड लेंस दिया हुआ 0.505 मीटर और इससे थर्ड लेंस जो दिया हुआ 0.1 मीटर दिया हुआ है। और तीनों की अपने को फोकल लेंथ दे दी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 0.1 मीटर, सेकंड की फोकल लेंथ है -0.1 मीटर क्योंकि कॉनकेव है, और थर्ड की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 0.3 मीटर। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज एक जैसे ही मैं समझा रहा हूँ तो इसके बाद उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं करवा रहा हूँ फ्रॉम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस क्वेश्चन को समझना बेटा एक एक, तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले एक एक करके इन सभी को सोल्व किया करो। इससे जो फाइनल इमेज बननी है उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, मतलब इससे जो वी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो आप आते हैं फर्स्ट इसके ऊपर पहले, तो कॉन्वेक्स मिरर लेंस के लिए अपने को यू की वैल्यू दे दी बेटे 4। फर्स्ट लेंस के लिए आप तीन केस बनाएंगे बेटे, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, यू इज ऑलवेज नेगेटिव -3 मीटर और फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ अपने को गिवन है 0.1 मीटर और कॉन्वेक्स है तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 0.1 मीटर। बाय लेंस फॉर्मूला, इससे जो ये जो इमेज कहां बना रहा है पहले तो इसको पता होना चाहिए ना, फिर इसकी इमेज इसके ऊपर काम करेगी और फाइनल ये इमेज बनाएगा। तो इससे पहले देख लेते हैं कि ये इमेज कहां बना रहा है, तो मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला से वैल्यू निकालते हैं वी की, तो वी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है 1/f + 1/u। वैल्यू पुट करें बेटे यहां पर तो 1/v = 1/f, कितना 0.1 और माइनस ये क्या बन जाएगा बेटे 1/0.3। आप पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा ये 1/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस वे के अंदर ही अपने पास बनेगा 1/v = 10 - 10/3। तो पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया है तो इस वे के अंदर अपने पास ये बन गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटे, तो 1/v = 3 LCM आ गया, 30 - 10, तो ये अपने पास क्या आ गया 1/v = 20/3 एंड v = क्या आ गया 3/20। तो ये v की वैल्यू अपने पास आ जाती है, जिसको सोल्व करें अपन तो ये आएगा अपने पास 0.15 मीटर के अंदर, 0.15 मीटर के अंदर, हाँ जी ठीक है 0.15 मीटर आएगा। अच्छा ये क्या आ गया, इमेज की वैल्यू आ गई जो इसने बनाई, कितने दूर बनी 0.15 मीटर। तो देखो बेटे यहां से अगर ये इमेज इसने बनाई 0.15 मीटर पे और ये पड़ा हुआ है बीच में गैप कितना दोनों के बीच में 0.05, तो इमेज जो बन रही है वो उसके इस तरफ बन रही है, समझिए इसको, इस लेंस के जो इमेज बनाएगा ये वाली वो इस तरफ बनेगी, ठीक है, तभी उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसने जो इमेज बनाई इस लेंस ने वो एक इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, समझ में आई ये बात। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरफ होगा, मीन यू की वैल्यू जो रहेगी इस लेंस के लिए पॉजिटिव रहेगी, ठीक है बेटे। तो यू की वैल्यू कितनी होगी इस लेंस के लिए, यू की वैल्यू होगी बेटे 0.15 में से, देखो यहां से लेके ये वाली जो अगर मैं सपोज करूं यहां इमेज बन गई तो ये सारी क्या वैल्यू होगी वी की वैल्यू थी, ये वाली गैप बीच में अपने को पता है तो इसके लिए यू की वैल्यू तो ये होगी ना, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारे में से वैल्यू में से ये वैल्यू वैल्यू क्या कर देंगे बेटे माइनस कर देंगे 0.05। तो कितना आ गया बेटे ये यू की वैल्यू आ गई 0.1। देखो भी कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो संभाल लेना बात को, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मीटर आ गई बेटे, तो इसके लिए यू की वैल्यू बन गई 0.1। फोकल लेंथ इसकी भी अपने को पता है कितनी है F2 -0.1 मीटर, ठीक है बेटे। तो इसने इमेज कहां बनाई तो इसके लिए भी वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी को सब्जेक्ट बनाया तो 1/f + 1/u, तो यहां पर अपने पास देखो बेटे कहानी क्या बन रही है,
1 by v is equal to 1 by f की वैल्यू कितनी है माइनस 0.1 और u की वैल्यू कितनी है प्लस 0.1, तो ये क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 1 by v is equal to क्या हो गया 0 आ गया और v is equal to क्या बन जाएगा 0 by 1, तो रिवर्स करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ गई इनफिनिटी आ गई। मतलब ये जो इमेज बना रहा है वो कहां बनेगी इनफिनिटी पे बनेगी, तो सेकंड ने जो इमेज बना दी कहां पर चलेगी इमेज इनफिनिटी पे चलेगी। अब आते हैं थर्ड लेंस के ऊपर, थर्ड लेंस के लिए v की वैल्यू अपने को पता चल गई और थर्ड लेंस का इसकी जो v होगी वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जैसे इसकी जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम की, इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अपने को पता है अगर कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी पे पड़ा होता है तो वो इमेज कहां बनाएगा फिर फाइनल इमेज, प्रिंसिपल फोकस पे बनाएगा। समझ में आई है बात, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या हो गया कि अगर ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट कहां इनफिनिटी पे पड़ा हुआ है तो फाइनली इमेज कहां बनती है प्रिंसिपल फोकस पे, और ऑप्टिकल सेंटर और एफ से ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होती है उसकी फोकल लेंथ होती है। समझ में आया, तो ये जो लास्ट है ये फाइनली इमेज कहां बनाएगा अपने प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब कितने दूर होगी वो इमेज उसकी फोकल लेंथ के क्या आगी इक्वली आगी, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी बेटे वी की वैल्यू कहां आगी उसकी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही, मतलब वी की वैल्यू जो बनेगी थर्ड लेंस जो इमेज बनाएगा वो कितनी दूर बनाएगा एट 0.3 मीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटे, थैंक यू। यस बेटे, अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 है बेटे, तो इस क्वेश्चन के ऊपर अब बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को इस वे के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, कहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के नीचे सॉरी एक प्लेन बेटे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की, जो एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या दिया गया है, कहते हैं एक अगर आपके पास बुक है तो बेटे आप प्लीज बुक आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी स्टेटमेंट इसकी बड़ी थी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं यहां पर लिख पाऊं, तो इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं बुक से रीड कर रहा हूं, तो आपके पास अगर बुक है तो प्लीज बेटे क्वेश्चन नंबर 38 और ये पेज नंबर है 350, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि आपको एक डायग्राम दिया गया एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो पहले तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समझ लो, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ से जिसकी रेडियस जो है इस सरफेस की और इस सरफेस की रेडियस क्या हो सेम होती है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे दिया कि कितना है बेटे म्यू दे दिया बेटे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 लेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। इन कॉन्टेक्ट विद ए लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर, तो ये नीचे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, इस प्लेन मिरर के ऊपर क्या किया हुआ है एक लिक्विड यहां पर फिल किया गया है और लिक्विड की लेयर के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रख दिया गया, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, ए स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव अलोंग द एक्सिस अंटिल द इनवर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल, कहता है ये एक नीडल है पी क्यू, इस नीडल की जो इमेज बन रही है फाइनल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जब लिक्विड है यहां पर तो इमेज वापिस वही बन रही है पी डैश क्यू डैश उसी पोजिशन पे बन रही है। फिर आगे क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। जब ये दोनों देखो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं कि ये मेरे पास अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेन मिरर है और ये कहता है कि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है ना वो कहां हो रही है 45 सेंटीमीटर पे ही, जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ वही इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे कब फॉर्म होगी, तो जब लाइट रेज जो इस वे के अंदर जा रही है वो क्या कैसे जाए पैरेलल जाए इसके मिरर के, जब पैरेलल जाएंगी तभी वो क्या होगी रिफ्लेक्ट होकर वही आएगी और इमेज वापिस वही बनेगी। तो यही एक सिचुएशन होती है बेटे कि जब प्लेन मिरर के पास जो लाइट रेज गई है वो बिल्कुल क्या जाए इस वे के अंदर नॉर्मली उसके ऊपर फॉल करें तभी वो क्या करेगा रिफ्लेक्ट बैक करेगा लाइट रेज को और फाइनल इमेज वही बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट बना हुआ था पड़ा हुआ था, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अपने पास यहां है।
कहता जब ये वापस जा रही है लिक्विड यहाँ पर फिल है तो जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है और इसका जो ये अपने को फोकल लेंथ डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से लेंस से वो कितना बोलता है 45 द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर मतलब उस टाइम जो फोकल लेंथ अपने को दी हुई है 45 सेंटीमीटर दी हुई है अब 45 जो दी हुई है डिस्टेंस ये इसका सारे का कॉम्बिनेशन है जैसे अपन ने बोला तो ये यहां पर क्या बन रहा है बेटे एक प्लेन मिरर है और अगर इस चीज को आप थोड़ा सा सही देख पा रहे हो तो ये इस वे के अंदर है लिक्विड लेयर जो है वो इस वे के अंदर है और इस वे की शेप बन रही है इस वे के अंदर तो ये क्या बन रहा है एक टाइप का प्लेनो कॉनकेव लेंस बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन हो गया बेटे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का समझ रहे हो इस बात को तो इस कॉम्बिनेशन की अपने को टोटल फोकल लेंथ दी हुई है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी हुई है 45 सेंटीमीटर ये एक ही फोकल लेंथ नहीं है ये कॉम्बिनेशन है ना जब यहां पर लिक्विड फिल है तो उस टाइम जो फोकल लेंथ यहां पर अपने को दे दी क्योंकि फोकल लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज इमेज वापस एफ पे तो बन रही है तो वो क्या हो गया डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ वाला ही तो एफ की वैल्यू इनकी कॉम्बिनेशन एफ ई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है द लिक्विड इज रिमूव इस लिक्विड को रिमूव कर दे यहां से और फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर पे होती है मतलब अब जो फोकल लेंथ गिवन होगी अब लिक्विड तो है नहीं यहां पर तो एक सिंगल लेंस ही रह गया कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव तो खत्म ही हो गया यहां पर तो कॉन्वेक्स लेंस से अब अकेले से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर पे ही हो रही है मीन अब जो फोकल लेंथ गिवन है ओनली कॉन्वेक्स लेंस की गिवन है तो कॉन्वेक्स लेंस के अपने को फोकल लेंथ अगर मैं इसको एफ वन बोलूं तो ये कितनी दे दी 30 सेंटीमीटर दे दी बेटे आपको अब फाइनली अपने को क्या निकालना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप बात करते हैं हम हाँ जी तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अपने पास लेंस मेकर फॉर्मूला था क्या था बेटे लेंस मेकर फॉर्मूला 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 अच्छा अब आपको क्या निकालना है इस लिक्विड का ये म्यू की वैल्यू निकालनी है म्यू की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एक तो ये f पता होना चाहिए इस सरफेस का जो लिक्विड के साथ जो सरफेस लग रहा है इस वे के अंदर प्लेनो को निके बन रहा है तो इस कर्वेचर की रेडियस अपने को पता होनी चाहिए समझ में आई है बात सॉरी फोकल लेंथ अपने को पता होनी चाहिए इस कर्वेचर की सेकंड R1 और R2 इसकी R1 की वैल्यू और ये प्लेन है इसकी तो अपने को पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है इनफिनिटी होती है तो ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए अगर ये सारी वैल्यू R1 R2 और F की वैल्यू पता चल गई तो आप इसका क्या निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो तो पहले इन चीजों को निकालते हैं बेटे अपन अच्छा अब यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो जब लिक्विड यहां पर है तो अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी हुई है अपने को इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे अपन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से ठीक है बेटे तो 1 by f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 ठीक है और f की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी है 45 is equal to 1 by f1 की वैल्यू आपको 30 गिवन है प्लस 1 by f2 मतलब सेकंड सरफेस जो हुआ ये वाला जो सरफेस है इसकी अपने को फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी क्योंकि यहां अपने को वैल्यू f2 की वैल्यू यहां पर रखनी है अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन कह दूं तो यहां पर म्यू टू की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो f2 को यहां सब्जेक्ट बनाएं तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1 by f2 is equal to 1 by 45 minus 1 by 30 तो LCM आ गया बेटे 1 by f2 is equal to LCM कितना आ जाएगा 90 तो ये कितना बन गया बेटे 2 minus 3 तो 1 by f2 is equal to आ गया minus 1 by 90 और f2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास minus 90 सेंटीमीटर तो ठीक है ये वैल्यू तो अपने को पता चल गई यहां पर minus 90 सेंटीमीटर f1 की यहां पर म्यू टू की वैल्यू अपने को निकालनी है f2 की वैल्यू पता चल गई अब आते हैं यहां पर इसकी वैल्यू के ऊपर तो 1 by r1 की वैल्यू अपने को निकालनी है r2 की वैल्यू तो यहां पर अपने पास पता है कि प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है इनफिनिटी होती है तो इसकी वैल्यू तो अपने को पता है इनफाइनाइट है तो 1 by इनफाइनाइट 0 हो जाएगा 1 by r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी
तो अगर मैं ये वाली आर की वैल्यू, इसकी रेडियस निकाल लूं, इस कर्वेचर की अगर मैं रेडियस निकाल लूं, तो इसी की ये आर वन की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी कर्वेचर की रेडियस कैसे निकलेगी? तो उसके पास अपने पास फॉर्मूला होता है, लेंथ फॉर्मूला, लेंथ मेकर फॉर्मूला, 1/F1 अपने को पता है, ठीक है। 1/F1 इज इक्वल टू म्यू वन माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/F1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? F1 की वैल्यू 45, सॉरी F1 की वैल्यू थी 30, इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे? म्यू 1.50 माइनस 1 इंटू 1/R। तो ये तो कौन सा लेंस था? इक्विकन्वेक्स लेंस। तो दोनों रेडियस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यू इस तरफ है पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एक आर होगी पॉजिटिव, और एक आर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो 1/R, ये तो एक तो क्या हो गया? पॉजिटिव रहेगा, माइनस सेकंड क्या रहेगी वैल्यू? नेगेटिव, तो माइनस आर। ध्यान रखना बेटा इस बात का, बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं। जैसे ये मेरे पास अगर लेंस है, तो एक इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? एक की अगर मैं रेडियस बोलूं तो ये क्या होगी? इस तरफ होगी। तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप? प्लस लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे? इस कर्वेचर की वैल्यू क्या लेंगे? इस तरफ है तो माइनस लेंगे। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है? एक वैल्यू को पॉजिटिव लिया और दूसरी वैल्यू को नेगेटिव लिया, और बीच में नेगेटिव का साइन ऑलरेडी है यहां पर, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख रहा हूं? प्लस लिख रहा हूं। तो 1/30 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया बेटे अपने पास? ये 0.5, है ना। और अंदर क्या हो जाएगा बेटे? ये R, और इनके एलसीएम लेंगे आप, कितना आ गया ये R, 1+1 कितना आ गया? 2/R। तो ये कितना हो गया? 2/R। तो R को यहां पर सब्जेक्ट बनाए आप, तो R की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे? ये जाएगा इस तरफ मल्टी में, तो 0.5 मल्टी 2 मल्टी 30। तो ये अपने पास बन गया बेटे, इसका भी पॉइंट रिमूव कर दें तो अपॉन में क्या लग जाएगा? 10। तो ये कैंसल आउट, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? ये अपने पास 30 सेंटीमीटर आ गई। तो कहने का मतलब है यहां पर अपने को R1 की वैल्यू, क्योंकि इसकी जो अगर अपने R निकाली है, वही तो इसी की R बन गई, समझ में आई? यही तो इसी की R बन गई। तो अब ये दोनों वैल्यू, F2 की वैल्यू ये रही अपने पास 90, R1 की वैल्यू ये निकाल दी, R2 की वैल्यू प्लेन के लिए रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, तो 1/इनफाइनाइट। तो यहां से म्यू 2 की वैल्यू अब पापा निकालते हैं, तो ये सारी वैल्यू यहां पुट करते हैं बेटे। तो अपने पास क्या बन जाएगा? 1/-90 इज इक्वल टू म्यू 2-1 इंटू 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 30, क्योंकि यही और इसकी दोनों सेम ही तो है ये वैल्यू। तो 1/30 माइनस 1/R2। R2 की वैल्यू क्या है? प्लेन के लिए, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की रेडियस क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो 1/∞ क्या हो गया? 0। तो ये कितना हो गया बेटे? 1/-90 इज इक्वल टू म्यू 2-1, और ये अंदर क्या रहेगा? इनटू 1/30। तो ये हाँ जी क्या बन गया बेटे यहां पर? ये जो 30 वैल्यू पुट करेंगे अपन, ठीक है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव की रेडियस क्या मानी जाएगी बेटे? नेगेटिव। तो ये क्या आएगी यहां पर? -30 है, ठीक है। तो माइनस से माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा फाइनली रिजल्ट? मैं इसको रेज कर रहा हूं, तो एक बार प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे। तो फाइनल रिजल्ट क्या बन गया अपने पास यहां पर? 1/90 इज इक्वल टू म्यू 2-1, और ये 30 इधर डिवाइड में था तो इधर आएगा, तो यहां पर क्या बेटे, ठीक है, तो ये कितना रह गया? 1/3। और म्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3। ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस 1, एलसीएम आ गया बेटे 3। तो म्यू 2 की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 1+3 4/3। तो ये वैल्यू रिजल्ट निकल जाता है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का आ गया, और 4/3 किसका होता है? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो आई थिंक आपको ये तीनों न्यूमेरिकल जो आज मैंने करवाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बेटे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको प्लीज एक बार जरूर सॉल्व कीजिए।
क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी हमारी भी मेहनत लगती है और ये तभी बेनिफिट होगा जब आप भी उस चीज को रिस्पॉन्स करो। थैंक यू सो मच।